बात बच्चों, हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे लेखक जो है पहले दिन चूंकि उल्टे अचकन और पैजामा पहने थे तो सवारी नहीं कर सके साइकिल की। दूसरे दिन साइकिल उनके पैर पर धड़ाम से गिरा, साइकिल भी चोटिल हुआ और पैर भी जख्मी हुआ, तो दूसरे दिन भी वैसा ही निकल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे दिनों में वो कितना सफल होते हैं साइकिल चलाने में। हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, तब भी मैदान में डटे रहे, पैर में चोट लगी, साइकिल पैर पे गिरा, फिर भी मैदान में डटे रहे, कई बार गिरने, घुटना तोड़वाए, कपड़े फरवाए, पर क्या मजाल की हिम्मत टूट जाए। 8 से 9 दिनों में साइकिल चलाना तो सीख ही गए थे, थोड़ा बहुत पाटी मार के 8-9 दिन लगा और लगभग साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष, परोपकारी मतलब जो दूसरा का उपकार करे, उनकी मदद करता भाई, उनको सीट पर बैठा देता था, तो फिर उल्टे सीधे पैडल मारकर साइकिल चला लेते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी, खुशी की कोई सीमा न थी, वाह हम तो फर्राटे सब साइकिल चला रहे हैं। सोचते थे मार लिया मैदान, मतलब जीत लिया जंग, साइकिल सवारी मैंने ये जंग जीत लिया, सीख गए। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल में चढ़ा दिया और यह कहते हुए सड़क पे छोड़ दिया, जाइए अब आप सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और मनी मन फूले नहीं समाए, फूले नहीं समाना मतलब बहुत खुश होना। हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना शुरू करते थे, साहब जरा बाई तरफ हट जाए। कभी कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारा प्राण सूख जाते थे, जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती थी। सहसा मतलब अचानक सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए, हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि भाई सोच लीजिए क्या होने वाला है, अल्टीमेटम मतलब फाइनल बात, कि आप देख लीजिए तिवारी जी बाई तरफ हो जाए वरना साइकिल आपके ऊपर चढ़ा देंगे हम, ये सोच लीजिए। इतने में सामने से टांगा आता हुआ नजर आया, टांगा टमटम घोड़े गाड़ी, हमने टांगे वाले को दूर से ही डांट दिया, अरे माई तरफ भाई, भाई तरफ, अभी हम नहीं चलाने वाले हैं। टांगा बाई तरफ हो गया, हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। हमने आपको प्रश्न दिया है कि लेखक और टांगे के बीच में आमना सामना जब हुई उसका वर्णन करना है, तो यहां से देखिए, टांगा बाई तरफ मुड़ गया, हम अपने रास्ते चले जा रहे थे, एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या टांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो टांगा हमारे सामने आ गया, हमारे हाथ पांव फूल गए कि अब क्या करें भाई, अब तो साइकिल के हैंडल ऐसे से थरथराने लगा, अब क्या करें, हम जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, जब बुरा वक्त होता है तो बुद्धि काम नहीं करती, भ्रष्ट होना तक काम करना बंद कर देता है। वो चाहते तो साइकिल हैंडल घुमा सकते थे लेकिन ऐसा करना भूल गए, वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय हमें ध्यान ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही टांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब अपने घर में थे और हमारे देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी, देह मतलब शरीर। हमें होश में देख श्रीमती जी ने कहा, क्यों अब क्या हाल है, मैं तो पहले ही कह रही थी साइकिल चलाना ना सीखो, उस समय किसी ने मेरी बात तो सुनी नहीं थी। हमने सोचा कि सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और स्वयं साफ बच जाए, बोले ये सब तिवारी की शरारत है, उनके वजह से ऐसा हुआ। लेकिन श्रीमती जी मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा तो उसको दो जो कुछ जानता ना हो, उस टांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख लेंगे। अब तो इनकी कलई खुल गई, पोल खुल गया, हम निरुत्तर हो गए, निरुत्तर मतलब अब कोई जवाब नहीं बना, वो तो देखा कि अब तो झूठ पकड़ा गया और आंखें बंद कर ली। और उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया, हिम्मत ने जवाब दे। तो ये थी साइकिल की सवारी, सुदर्शन जी की लिखती है।
बच्चों अब आपने इसमें जो अध्याय दिया हुआ है पुस्तक के बाद जो ये जो है हर अध्याय के बाद कुछ प्रश्न उत्तर है उनको आपको जो बुक में मार्क करना है किताब में पुस्तक में चिन्ह लगा दी रही सही गलत लिंग भेद बताना है आपको फिर संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा इसको रेखांकित करते हुए तो ये चिन्ह लगाकर ये सब काम पूरा करेंगे आप लोग किताब में। बाकी प्रश्न तो हमने आपको दे रखा है उसका सही सही उत्तर पुस्तक से निकालकर कॉपी में लिख डालें और साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। और हाँ एक गृह कार्य आपके लिए और है और वो है पृष्ठ संख्या 23 पेज 23 पे तो उसमें आपको एक लेख लिखना है ऐसे लेख और टॉपिक विषय पढ़ देते हैं उसमें किताब में पुस्तक मार्क कीजिए आप लोग। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण अर्थात एनवायरमेंट के लिए उपयोगी है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखें एक लेख लिखना है कि साइकिल सवारी फायदेमंद क्यों है सेहत के लिए भी और वातावरण पर्यावरण के लिए भी इससे क्या क्या लाभ है क्या क्या फायदे हैं ये जरूर लिखेंगे और अपने कॉपी के एक और आधा डेढ़ पन्ने में से लिखना है कम से कम एक पन्ना नहीं अब आप सेवेंथ क्लास में है सप्तम वर्ग में है इसे डेढ़ पन्ना लिखने का आदत डालिए कि साइकिल चलाने से क्या फायदे होंगे ठीक है। बाकी आप घर पे रहें ध्यान देते रहें और ध्यान से पढ़ते रहें। धन्यवाद।